हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ मिलके अपने बगीचे में सर्दियों के बीज लगाऊंगी, यानी कि पत्तेदार सब्जियाँ लगाऊंगी। कुछ मेथी के बीज लगाऊंगी, कुछ पालक के बीज लगाऊंगी, कुछ सरसों लगाऊंगी, मटर लगाऊंगी और कुछ मेरी फूलों की सैपलिंग्स तैयार हैं, उनको ट्रांसप्लांट करूंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने अपने कुछ जहाँ पे फ्रूट प्लांट्स लगा कर रखे हैं, मैंने उस जगह की सराउंडिंग में ही मैं मेथी लगाऊंगी, जिससे कि मेरी कंपेनियन प्लांटिंग हो और मेरे जगह की बचत हो। तो मैं पहले वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट के साथ मिक्स करके मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है, और जो मेरे गमले हैं उसको मैंने चारों तरफ से गुड़ाई करके रेडी कर लिया है, जहाँ पर मैं मेथी के बीज डालूंगी। और इस बार मेरे मेथी के बीज डालने का तरीका और पालक के बीज डालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, आप सबको मज़ा आएगा इस नए तरीके से। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं पालक के बीज और सरसों के बीज किस तरीके से लगाती हूँ। तो अब हमने वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट को मिक्स करके ये सोल्यूशन तैयार कर लिया है, जो कि मैं जिससे अपने सीड्स को कवर करूँगी। मेरी छोटी बेटी है जो मेरे हेल्प कराती है गार्डनिंग में, तो ये प्यारे प्यारे हाथ उसके हैं, तो इसके हाथ देखकर, एक छोटे बच्चे को गार्डनिंग करते देखकर एक लाइक तो दीजिए प्लीज़। तो ये मेरे मेथी के सीड्स हैं, कुछ मैंने सरसों के सीड्स लिए, कुछ पालक के सीड्स लिए और कुछ मैंने ये मटर की सीड्स लिए, जो कि मैंने थोड़े से सोक करके अंकुरित कर लिए हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी लगाते समय, मैं वीडियो के ऊपर डाल दूंगी कि कैसे मैंने सीड्स को अंकुरित किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना। तो ये मेथी के सीड्स हैं और ये मेरा 24x24 इंचेस का ग्रो बैग है, जिसके अंदर मेरे एक पपीते का पौधा लगा है और टमाटर की मैंने एक यहाँ पर कटिंग लगाई थी। तो इसी के अंदर सराउंडिंग को मैंने गुड़ाई करके पहले रेडी किया है। अब मैं इसके अंदर अपने इन मेथी के बीजों को डालूंगी। तो बस ऐसे ऐसे हमें को बुरकना है, हल्का हल्का, जैसे मैं बुरक रही हूँ, हल्का हल्का बुरकते जाइए। मेथी के लिए अलग से कंटेनर यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, जितना हो सके जगह बचाकर बाकी चीज़ों को लगा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको दूसरे गमले में भी दिखाती हूँ। ये भी मेरा 24x24 का ग्रो बैग है और इसके अंदर मैं फिर वैसे उसी तरीके से इसको बुरकूंगी, और मैं इसकी गुड़ाई पहले ही कर चुकी हूँ। तो देखिए मैं मेथी के बीजों को कैसे बुरक रही हूँ। इस घास को निकाल देते हैं, हल्का सा हाथ से जेंटल टैप देते हैं इसको, और वैसे ही पालक के देखिए दो बीजे, बस ये तीन आ गए, सिर्फ दो बीजे। मैं एक यहाँ पर डाल दूंगी और मैं एक यहाँ पर डाल दूंगी, और सरसों के भी दो तीन दाने दूर दूर, बस इतने। अब इसको हम टैप देंगे, फिर इसके ऊपर हम उसको वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का जो हमने मिक्सचर बनाया है उससे इसको कवर कर देंगे, जिससे कि इसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा, और थोड़ा सा जेंटली इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो इसके ऊपर कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर हम डाल देंगे, ऐसे इसका भी छिड़काव कर देंगे। तो एक लेयर हो गई इनके ऊपर, और कोकोपीट से ये होगा कि मॉइस्चर बना रहेगा जब मैं इस पर पानी डालूंगी। तो पानी जल्दी नहीं डालना, बस अभी डालूंगी, फिर उसके बाद जब थोड़े थोड़े पत्ते आने शुरू होंगे उसके बाद तब मैं पानी डालूंगी। बस ऐसे टैप कर देना है इसको, इस तरीके से पानी को जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे ही आपको पानी डालना है। उससे आपके बीजे खराब भी नहीं होंगे और मिट्टी से बाहर भी नहीं आएंगे, कि बीजे अक्सर होता है मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। अगर आपको लगेगा कल की धूप थोड़ी ज़्यादा है और ये जगह सूख रही है, तो ऐसे हल्का सा पानी और डाल दीजिएगा। तो वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि कोकोपीट है तो वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अब कि जो मैं पालक एक दो बीज डाल रही हूँ, मैं क्यों डाल रही हूँ। मैं आपको पालक के बीज एक एक लगाने के लिए या दो दो लगाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ। अब आप ये देखिए मेरे पालक का एक ये पौधा, और ये एक ही बीज है, मैं आपको रूट से दिखाती हूँ, ये एक ही बीज है, और ये क्योंकि एक बीज है तो कितना घना ये हुआ है, और उसकी पत्तियों का साइज देखिए कितना अच्छा साइज है इसकी पत्तियों का। और उसी जगह मैं आपको दिखाती हूँ पास पास लगी हुई पालक, तो देखिए इसकी पत्तियों का साइज भी छोटा है और इसकी थिनिंग करनी पड़ती है बार बार। तो अगर आप एक दो बीज डालेंगे तो, अगर आप और डालने से ये होगा, मान लीजिए आपके पास चार पौधे हैं जिसकी अच्छी पालक निकल गई, तो आप उससे ही सब्जी बना सकते हैं। ये छोटे छोटे पत्ते आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं, इसके पत्ते कितने छोटे हैं और उसके पत्ते कितने बड़े हैं। तो इसी वजह से मैं तो दूर दूर बीज डालती हूँ पालक के, और हर कंटेनर में एक या दो बीज डाल देती हूँ। उसी तरीके से मैं आपको सरसों के बीज दिखाती हूँ।
मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया। ये देखिए, ये सरसों के बीज कितने पास पास हुए हैं, तो इनकी ग्रोथ, ये मैंने महीना भर हो गया लगाए हुए, तो इनकी ग्रोथ कितनी कम हो रही है। अब जब ये सरसों के बीज जो मैंने अभी आपके साथ लगाए हैं वो जब उगेंगे तो आप देखेंगे उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होंगे। तो ये रीज़न है मेरा कुछ कुछ बीज डालने का। अब कुछ हम मटर के बीज लगाते हैं, तो मेरी ये क्यारी है, आपको पता ही है, आप लोग अक्सर वीडियो में देखते हैं, इसमें गोभी भी लगी है, ब्रोकली भी लगी है, पत्ता गोभी भी लगी है, तो थोड़ी सी जगह यहाँ बीच में इस जगह पर खाली है, तो मैं यहाँ पर मटर के बीज लगाऊंगी। मटर के बीज है जिसके अंदर अंकुर आ चुका है, तो मैं यहाँ पर इसको 3-3 इंच में लगाती जाऊँगी गैप में, और जैसे यहाँ पर लगाऊँगी, और मैं हर क्यारी में, मैं तो जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि मैं अपने हर क्यारी के अंदर मटर के थोड़े बीज लगाती हूँ, क्योंकि इससे मेरे पौधों को, जो बाकी पौधे हैं उनको थोड़ा नाइट्रोजन मिलता है। तो मेरे हर क्यारी के अंदर मटर के बीज होते हैं, और मटर एक ऐसी सब्जी है जो कि मैं विंटर्स में खूब सारी उगा के समर्स में ये उसको स्टोर कर सकती हूँ अपने समर में यूज़ के लिए, क्योंकि समर में मटर तो आते नहीं है। तो मैंने लास्ट टाइम अपने बगीचे से, मैंने जैसा आपको बताया था कि मैंने 60 kg टमाटर हार्वेस्ट किए थे, और मैंने उनको फ्रीज किया। अगर किसी को जानना है कि मैं अपनी सब्जी को फ्रीज कैसे करती हूँ, तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी कि सब्जी को ज़्यादा क्वांटिटी में लगा के फ्रीज कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, जो आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा खाती है, सब्जी कंज्यूम होती है आपके घर में, आप उसी सब्जी को लगाइए, क्योंकि मार्केट में तो बहुत कुछ मिलता है, हम हर चीज़ नहीं लगा सकते। जो लगाइए उसकी क्वांटिटी इतनी हो कि वो आपके लिए एम्पल हो, आपके आने वाले सीज़न के लिए वो एम्पल होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने कुछ मटर के बीज लगा लिए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कुछ मेरे जो लास्ट टाइम मैंने मटर लगाए थे वो स्प्राउट होके बाहर भी आ गए हैं, मैं आपको वो भी उसकी पिक्चर भी शेयर करूँगी अभी। तो कुछ बस इतने सीड बहुत है यहाँ पर, तो थोड़े सी जगह है, मैं यहाँ भी लगा देती हूँ, और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर मुझे उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ सरसों लगाई थी कितनी पास पास, तो देखिए कितनी छोटी है, इसीलिए इस बार मैंने दूर दूर लगाई है, जिससे कि मुझे बड़े बड़े पत्ते मिल सकें सरसों के। तो मेरे ख्याल से इतने मटर इस क्यारी में बहुत हैं। तो ये कुछ गजेनिया की सैपलिंग्स मेरे पास तैयार हैं, और मैं इसको अब ट्रांसप्लांट करूँगी, और मैं इसको हाथ से नहीं, मैं 4-5 पौधे ले लेती हूँ, और उसको मैं अपने अलग नहीं लगाऊंगी, मेरे जो फ्रूट प्लांट्स हैं मैं उन्हीं के अंदर इसकी सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट करूँगी। तो ये गजेनिया की, मेरे अमरूद का पौधा, मैंने एक सैपलिंग यहाँ लगा दी, और मैं यहाँ लगा देती हूँ, थोड़ा सीधा लगाती हूँ उसको। तो 2 दिन बाद का ये अपडेट है कि जो मेथी के बीज मैंने आप सबके साथ लगाए, तो वो देखिए स्प्राउट होके बाहर आ गए हैं, कुछ बीज यहाँ भी आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बीज यहाँ भी बाहर आ गए, इधर भी बाहर आ गए। मेथी को इस तरीके से लगाने का तरीका, या सरसों को इस तरीके से लगाने का तरीका आपको अगर मेरा अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।